मंगलवार को हमारी टीम यहाँ पे शाम को 6 बजे पहुंच गई। 1 बजे हमें सूचना दिया गया कि यहाँ पर भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, हमारी 2 टीम यहाँ पे आ गई। एक टीम यहाँ से आने के बाद नासिक, रात में पहुँचने के बाद नासिक में ऑपरेशन किया और यहाँ पे तब तक पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो चुका था। फिर सुबह से 5 बजे से हम उस साईखेड़ा क्षेत्र में सिन्नर होते हुए साईखेड़ा गांव में गए और वहाँ पे करंज गांव में पहले 16 लोगों को बचाया जो कि पूरी रात वहाँ फंसे हुए थे, उसमें 5 महिलाएं भी शामिल थी। उसके बाद साईखेड़ा गांव गए, साईखेड़ा गांव में हम लोगों ने कुल 46 लोगों को दोपहर तक निकाला जिसमें एक 3 दिन के बच्चा भी शामिल था और 6 पेशेंट भी था। उसके बाद वहाँ से हम लोग चंदौरी क्षेत्र में गए क्योंकि चंदौरी और साईखेड़ा का जो ब्रिज था उस पर पानी बहुत अधिक तेजी से बह रहा था, इसलिए हम लोग वापस नासिक होकर चंदौरी गए। वहाँ तब तक सिविल पुलिस और एसडीएम साहब ने कुल 35 लोगों को इवैक्यूएट किया था, रेस्क्यू किया था। उसके बाद हम लोग और निफट भी गए, वहाँ पर 1 को बचाया और अभी हम लोग यहाँ पर स्टैंड बाई में हैं। अभी बाढ़ की स्थिति थोड़ी सी सुधरी हुई है।